दूंगा, फिर उसके बाद वाले टॉपिक उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। पर हफ्ते में जो कल प्लान किया हमने, हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस क्लास के रख लेंगे। स्क्रीन दिख रही है, लावला स्क्रीन नजर आ रही है? सर सर अभी तक हमने जो किया था वो सिंगल प्रोडक्ट किया था। क्या किया था? अगर सर एक कंपनी है, अगर वो सिंगल प्रोडक्ट बनाती है तो सर उसके लिए तो बहुत आसान है, उसके लिए तो बहुत आसान है कि किस तरह से आप उसका ब्रेक इवन निकाल लें, पर यूनिट की कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लें। मगर सर कोई इस तरह की अगर कंपनीज हो जो मोर देन वन प्रोडक्ट बनाती है, सर मिसाल दे देता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल कैटरपिलर कंपनी है, अर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट सारे किस्म के बनाती है, सब छोड़ो सर दूध की दुकान है, दूध भी बेचता है, दही भी बेचता है, लस्सी भी बेचता है, मिल्क शेक भी बेचता है, बेकरी वाला है, डिफरेंट आइटम्स बेचता है, डॉलेंस कंपनी है, डिफरेंट आइटम्स बेचती है, तो सर क्या ऐसी कंपनी का ब्रेक इवन निकालना पॉसिबल है? अब सर कंपनी एक प्रोडक्ट तो बेच नहीं रही, कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं बेच रही, कंपनी क्या बेच रही है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रही है तो सर ये तो आपके लिए सही लॉजिक नहीं होगी कि आप एक प्रोडक्ट की खाली कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका सारी की सारी फिक्स कॉस्ट तुम कवर करके दे दो और कंपनी को ब्रेक इवन पे ला दो। तो सर जो इस तरह की कंपनीज होती हैं उनका जब हम लोग ब्रेक इवन निकालते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। अब सर मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस हम किस तरह करेंगे? अब सर कंपनी जो है, अब आपको सर खुद पता होगा अगर तुम लोग कभी जाते हो, अब्बू अगर रात को आते हैं बेकरी से, क्या खाली एक आइटम लेके उनकी थैली में होता है? तो अब्बू घर पे रात को आते हैं बेकरी की, अगर एक शॉपर होती है बेकरी वाले की, क्या खाली एक आइटम होता है? नहीं सर, उसके अंदर सर अंडे भी होते हैं, ब्रेड भी होती है, बटर भी होता है, या कभी कभार जैम भी होता है। मतलब सर बेकरी वाले के पास भी कोई बंदा जाता है, जब मैं उसको देख रहा होता हूँ, ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ ना, उसकी थैली में सिर्फ ब्रेड नहीं होती, अंडे तो लाजमी साथ में होते हैं। इस तरह अगर सर मैं बात करूँ समोसे वाले की दुकान पे, कोई समोसे वाले की दुकान पे जाता है खाली समोसा नहीं उठाता, समोसे के साथ जलेबी वगैरह भी उठा लेता है। मतलब सर आपके पास इस तरह के कुछ आपको रेशियोज देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं? रेशियोज देखने होते हैं, आपको डिटरमिन करना होता है। सही है, डिटरमिनेशन कैसे होती है? सर इसके लिए आप पास का डेटा देखते हो। किसका देखते हो? पास का डेटा देखते हो, या पास में लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं सर लास्ट ईयर में आपके पास लस्सी बिकी थी 5,000 ग्लासेस। कितनी बिकी थी? 5,000 ग्लासेस लस्सी के बिके थे, और जो मिल्क बिका था वो बिका था लेट सपोज 10,000 लीटर्स। क्या लास्ट ईयर का डेटा तो मौजूद होता है ना? क्या कंपनी अपनी ये प्रिडिक्शन कर सकती है कि अगले साल भी जो बंदा दूध लेने के लिए आएगा, या जो बंदा दूध लेने के लिए आएगा, अगर वो 2 लीटर दूध लेता है तो 1 गिलास लस्सी का भी साथ लेके चला जाता है? हाँ, क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर सर एक बंदा दुकान में आता है वो 2 लीटर दूध लेता है, कितना लेता है? 2 लीटर दूध लेता है, तो 2 लीटर दूध बिकता है तो 1 गिलास लस्सी का भी उसके साथ बिक जाता है। हमने क्या क्या रेशियो निकाला? अगर सर मैं कहूं बेकरी वाला कहता है कि यार मैंने अंडे बेचे, मैंने पूरे पिछले साल में अंडे बेचे हैं लेट सपोज 50,000 अंडे। कितने? 50,000 अंडे बेचे हैं, और मुझे कहता है 50,000 अंडे बिकते हैं ना, तो मेरे पास जो ब्रेड है वो बिक जाती है लेट सपोज 10,000। कितनी बिक जाती है? 10,000। क्या हम ये कह सकते हैं कि सर हर एक बंदा जो एक ब्रेड लेने आता है वो साथ में 5 अंडे भी साथ लेके चला जाता है? क्या हम इस तरह कह सकते हैं? जी सर। सर ये आपके होते हैं रेशियोज। ये क्या होते हैं? रेशियोज। आपका जो मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी जो निकलता है वो रेशियोज की बेसिस पे निकलता है। किस बेसिस पे निकलता है? रेशियोज से। या सर मैं लेट सपोज एआरटीटी की मिसाल दूं, सर एआरटीटी को ब्रेक इवन करना है अपना, एआरटीटी को क्या करना है? ब्रेक इवन करना है। वो सोचेगा क्या अगर एक बच्चा सीएमए में अगर एडमिशन लेने के लिए आता है तो साथ में FAR1 में भी और टैक्स से भी ले लेता है? हाँ। या मैं ये कहूं कि अगर 100 बच्चा आता है, कितना बच्चा आता है? अगर 100 बच्चा सीएमए में आता है, लास्ट अगर 100 बच्चे सीएमए में एनरोल थे तो उसमें से FR1 में एनरोलमेंट ली उनमें से 70 बच्चों ने FR1 में एनरोलमेंट ले ली, और आपके पास टैक्स के अंदर 80 बच्चों ने एनरोलमेंट ली। तो सर मैं कह सकता हूँ कि सर इसका रेशियो ये है कि 10:7:8,
हाँ तो सर आपने क्या करना होता है, इसको रेशियोज निकालने होते हैं, और एलसीएम तो आपने सीखा हुआ है, लोवेस्ट पॉसिबल रेशियो से भी कर सकते हो, या सवाल में जो रेशियो गिवेन हो उससे भी कर सकते हो, सवाल में जो रेशियो गिवेन हो उससे भी कर सकते हो। अब सर एक और किस्म का जो सर एग्जामिनेशन में जो हाल होता है ना हमारा, वो ये होता है सर, एक तो आपके पास सवाल में ये आ जाएगा कि आपको रेशियोज गिवेन है। अभी हमें उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, अभी हम किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी हम रेशियोज के ऊपर बात करें। सर रेशियोज कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि जब तक रेशियो आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे आगे का तुम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा सर लेट सपोज सर आपके पास लास्ट ईयर का जो डेटा है, जो डेटा जो पर्टेनिंग टू लास्ट ईयर है, लस्सी और मिल्क एंड योगर्ट सर, लास्ट ईयर की आपको सेल्स दे दी, क्या दे दी है, टोटल सेल्स दे दी, क्या मिल्क से जो मेरी सेल्स जनरेट हुई है वो लेट सपोज 2 लाख रुपए की हुई है, और योगर्ट से जो मेरी सेल्स जनरेट हुई है वो समझ लो 1 लाख 20 हजार से हुई है। आपने कहा सर प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सर मिल्क जो लास्ट ईयर था वो बिकता था हमारे पास लेट सपोज 140 रुपए लीटर में, या इसको मैं कर देता हूँ 160 रुपए लीटर पे, और सर आपके पास योगर्ट जो बिक रहा था वो आपका बिक रहा था 200 रुपए लीटर में। क्या सर सवाल में कॉम्पोजिट दिया हुआ नहीं है, मगर आपको सवाल में ये चीज दिख गई है कि दो प्रोडक्ट्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है, दो प्रोडक्ट्स हैं, सर रेशियो नहीं गिवन, क्या आप रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो क्वांटिटीज का निकलता है, किसका निकलता है, रेशियो किसका निकलता है, क्वांटिटीज का। क्या आप ये कह सकते हो सर 2 लाख डिवाइड बाय 160 करो कितना आता, वन टू 50, और सर योगर्ट को 1 लाख 20 हजार डिवाइड बाय 200 करो कितना, 600। सर या तो मैं 600 1250 का रेशियो ले लूं, या सर क्या मैं इसको फर्दर तोड़ सकता हूँ रेशियो को, सर ये क्वांटिटीज बिकी है ना, या तो मैं एक्चुअल क्वांटिटीज ले लूँ, या तो मैं क्या करूँ एक्चुअल क्वांटिटीज ले लूँ, या सर मैं क्या करूँ इसको यूनिट्स के ऊपर, इस तरह मैंने एक्चुअल क्वांटिटी कर लिया, इसको सर मैं और फर्दर नीचे करूँ। आपने कहा सर फर्दर नीचे कैसे करें, सर 1250 600 किसी एक टेबल में आता है, मैं बेसिकली एलसीएम लेने की बात कर रहा हूँ कि फर्दर पॉसिबल नीचे तक ले आओ। आपने कहा दोनों के साथ 10 के टेबल में जाते हैं, 10 के टेबल में जाते हैं, आपने कहा 125 और 60, आपने कहा सर अब ये 5 के टेबल में भी जा रहे हैं, 5 के टेबल में जा रहे हैं, जी सर ये 12 और ये 2 और ये 25। अब सर हम इसको यहीं पे रोक लेंगे, हम ये कहेंगे अगर सर हमारे पास 25 लीटर दूध बिकता है तो 12 किलो दही भी बिक जाती है, हाँ क्या ये भी रेशियो ही है ना, ये भी रेशियो ही है। सर या तो मुझे इस तरह बताओ 12 डिवाइड बाय 25 कितना होता है, सॉरी 25 डिवाइड बाय 12 कितना होता टू पॉइंट, अगर सर 1 लीटर 1 किलो दही जाती है तो उसके साथ 2.08 लीटर दूध भी बिक जाता है। सर रेशियो तुम इससे भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, सो इधर तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, सर रेशियो कौन सा यूज करें, आपको बस क्वांटिटी मिल जानी चाहिए, क्या मिल जानी चाहिए, क्वांटिटी जो एक्सपेक्टेड है कि किस क्वांटिटी में ये बिकेगा, कौन से प्रोपोर्शन में ये बिकेगा, आपको सिर्फ ये चाहिए होता है। आपने कहा ठीक है सर ज्यादा अच्छा होता है पर यूनिट की बेसिस पे तो आपके पास आएगा। अब सर आपके पास रेशियो आ गए, रेशियोज आ गए, हमारे पास क्या आ गए रेशियोज आ गए, किस रेशियो में बिकेगा। अब सर लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि सर आपके पास मिल्क है एंड योगर्ट है, सर आपने कहा मिल्क की जो सेलिंग प्राइस है, मिल्क की जो सेलिंग प्राइस है सर वो है 150 रुपीज, योगर्ट की है 200। मैंने कहा बेटा इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट, क्या चीज, मिल्क की जो वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास सर वो है लेट सपोज 90 रुपीज की, और योगर्ट की है कोई 130 रुपीज। आपने कहा ठीक है सर, मैंने कहा क्या आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, कितना आएगा 60 का, और इसका कितना आ जाएगा 70 का। मैंने कहा आपके पास अगर दुकान में एक बंदा आता है वो अगर 2 लीटर दूध खरीदता है तो आपके पास 1 लीटर 1 किलो क्या खरीदता है, दही भी खरीद लेता है, क्या हमने इसका रेशियो 2:1 कर दिया, हाँ। और हमने कहा पूरे मिल्क की दुकान की हमारी जो फिक्स कॉस्ट है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, लोगों की सैलरीज हैं, दुकान का रेंट है,
जो मैंने पेस्टराइजिंग मशीन लगा के रखी हुई है जो दूध को ठंडा करती है, उसकी एक डेप्रिसिएशन है, सब चीजें मिला के जो फिक्स कॉस्ट मेरे पास है, लेट सपोज 5 लाख, कितनी 5 लाख। अब मैं आपसे कहूं कि यार कंपनी कितना दूध और कितना दही बेचे कि कंपनी एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाए, क्या आ जाए, कंपनी एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाए। आपने कहा सर 60 रुपए से कवर करने जाऊं, 60 रुपए से अगर कवर करने जाऊं 5 लाख को कितना आता है, कितना आता है 8333। सर सिर्फ दूध तो नहीं बेच रहे, क्या जब दूध 8333 बिक रहा था, जब दूध 8333 बिक रहा था, क्या इसका हाफ, इसका हाफ 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो, क्या इसका हाफ जो है वो दही नहीं बिकी थी, तो सर आपकी ये एनालिसिस तो गलत हो गई। क्या आप अगर सबका सब कवर करोगे किसके साथ, दूध के साथ, तो आपको दही भी तो बेच रहे हो भाई, क्या दही के क्या खारा का सारा प्रॉफिट घर पे लेके जाओगे। आप जब तक अपना फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर सकते, आप घर पे कोई पैसा लेके नहीं जा सकते, तो आपका पास क्या करेगा वो बंदा दुकानदार, वो जो दूध से जो कमा रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो भी पहले फिक्स कॉस्ट कवर करवाएगा, दही से भी है तो वो भी फिक्स कॉस्ट कवर करवाएगा, करवाएगा नहीं करवाएगा जी सर। अब मुझे एक बात बताओ सर, उसने अगर 2 लीटर दूध बेचा, कितना बेचा, आपके पास ये फिक्स कॉस्ट का गल्ला पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था, फिक्स कॉस्ट का एक गल्ला पड़ा हुआ था जिसके अंदर आपको 5 लाख रुपए डालने थे, या क्या मनी बॉक्स है, कौन सा वाला, फिक्स कॉस्ट वाला, आपको उसको फिलअप करना है, इसको फिलअप कर दोगे इसके बाद जो भी ओवरफ्लो होगा वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट में। आपने कहा सर जैसे ही मैंने 2 लीटर दूध बेचा, कितना बेचा 2 लीटर दूध बेचा, क्या इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 120 आएगा, 120 इसके अंदर गिरेगा, क्या सर 120 के साथ साथ पीछे दही का भी 70 रुपए नहीं गिरेगा, हाँ क्योंकि दूध के साथ दही भी तो 1 लीटर बिक रही है, 1 किलो बिक रही है, हाँ तो सर आपके पास खाली जो है दूध का कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होगी, आपको दूध के पैसों से भी फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, प्लस आपको हेल्प आउट करेगा कौन, दही भी। तो सर मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर एक बंदा आ रहा है वो 2 लीटर दूध ले रहा है, 2 लीटर दूध ले रहा है और 1 किलो दही ले रहा है, तो मैं उसको एक शॉपर बना के दे दूं, शॉपर हैंडबैग ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता होगा यार, हाँ सर ऐसा मैं हैंडबैग एक बना लूं कि एक बंदा आए उसको मैं कहूं हाँ भाई ये लो 2 किलो दूध, 2 kg मिल्क एंड 1 kg योगर्ट, 2 लीटर मिल्क दे दूं और 1 किलो क्या दे दूं, दही दे दूं। अब सर वो बंदा कंपनी को इस पैकेट के पैसे देगा, हाँ उस बंदे से मैं पैसे कलेक्ट कितने करूंगा। आपने कहा सर मैं इस बंदे से कलेक्ट करूंगा कितने थे 150, 150 × 2 300 रुपए और 200 रुपए, क्या वो मुझे टोटल 500 रुपए देके जाएगा थैली के बदले, हाँ क्या एक शॉपर जब मैं उसको हैंडओवर करूंगा वो मुझे 500 रुपए देगा, जी सर 500 रुपए मैं फिक्स कॉस्ट की तरफ लेके कंटेनर में जा रहा था, रास्ते में किसने रोक लिया मुझे, वेरिएबल कॉस्ट, बोला किधर जा रहे हो थल्ले आ जाओ। हमने कहा अच्छा भाई तुम्हारा क्या मसला है, उसने कहा ये जो 500 रुपए कमाए हैं इसमें हमारा भी कोई खर्चा था, पहले हमें दे दो बाद में जो बच जाए उससे फिक्स कॉस्ट कवर कर लेना। आपने कहा अच्छा तुम्हारा क्या मसला था, उसने कहा क्या क्या बेचा है इस थैले में, ये 500 रुपए क्यों मिले। मैंने कहा 2 लीटर दूध बेचा, उसने कहा अच्छा 2 लीटर तो हमारे पर लीटर पे 90 रुपए थे वो दो। हमने कहा ये लो 180 रुपए। हमने कहा फिर 1 किलो दही भी बेची है, उसने कहा दही के हमारा कितने पैसे थे उसके 130 रुपए, उसने कहा 130 रुपए भी दो, कितने हो गए ये 310, हाँ 310 सर, 310 रुपए इसने ले लिए, बाकी 190 रुपए क्या हुए डायरेक्ट इधर गए, क्या से ये वही वाली बात हो गई, ये 120 और 70 रुपए के जाने वाली, हाँ कि सर आप ये कहोगे कि आपके पास जब कॉम्पोजिट ब्रेक इवन आए या मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन आए तो आप इसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो पर पैकेट के हिसाब से फिक्स कॉस्ट को कवर करवाओगे, ना ही कि किसी इंडिविजुअल आइटम की बेसिस पे। आप कैसे कवर करवाओगे, पैकेट की बेसिस पे, किसी बेसिस पे, पैकेट की बेसिस पे, क्योंकि अगर तुम 2 किलो दूध बेचोगे तो ऑटोमेटिकली 1 किलो दही भी बिक रही होगी, अगर आपने 10 समोसे बेचे हैं तो साथ में 5 रुपए की जलेबी भी बिक रही होगी, अगर आप 5 अंडे बेच रहे हो
पांच अंडों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट कवर करने जा रहे हो तो ब्रेड का कंट्रीब्यूशन भी साथ में आएगा, क्योंकि वो बंदा जो है सिर्फ आपसे ये चीज लेकर नहीं जा रहा, वो अंडे खरीद रहा है तो साथ में ब्रेड भी खरीद रहा है। अंडों से अगर कंपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट कर रही तो साथ में ब्रेड से भी कर रही है। कई बात समझ आ गई? तो सर हमारे पास यहाँ पर जो हम सवाल सॉल्व करेंगे सर कॉन्सेप्ट सारे वही है जो सिंपल ब्रेक इवन के होते थे, कॉन्सेप्ट सारे वही है, सिर्फ जो डिनोमिनेटर है तुम्हारा कौन सा है, डिनोमिनेटर। सर बताओ सिंपल ब्रेक इवन में तुम कैसे निकालते थे ब्रेक इवन? हाँ ब्रेक इवन आपसे निकालते थे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट होता था। अगर सर मैं सिर्फ सिंपल सा चेंज कर दूं कि मैं कह दूं कि यार अब जो ब्रेक इवन है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर पैकेट होगा, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, क्योंकि हर दफा जब सेल होगी तो आपके पास कोई एक जगह से सीएम नहीं आ रहा होगा, मल्टी प्रोडक्ट से सीएम आ रहा होगा। तो ये जो फिक्स कॉस्ट कवर करनी है किसी एक प्रोडक्ट ने नहीं करनी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ने करनी है। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि 500,000 को डिवाइड कर दूं कितने से? सीएम पर पैकेट। एक पैकेट जब वो बंदा मुझसे 500 रुपए दे रहा था, वेरिएबल कॉस्ट वाले ने 310 रुपए ले लिए, 190 रुपए का मेरे पास बच गया। तो सर क्या मैं इसको डिवाइड बाय 190 कर सकता हूँ? कितने पैकेट्स आए मेरे पास? ये ब्रेक इवन इन पैकेट्स आएगा 26 कुछ पॉइंट्स हैं। एक काम करते हैं फिक्स कॉस्ट को चेंज करते हैं, 190 है तो उसको हम 800,000 कर लेते हैं, नहीं 8.5 लाख। देखो है ना 9.5 लाख पे आ रहा है, फुल राउंड आ रहा है, 5,000 आ रहा है 9.5 लाख पे। सर स्क्रीन एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, चलता हूँ लैपटॉप का पेन लेके आना, ये अलग खराब हो गया, चल नहीं रहा, जल्दी से और का नंबर भी जल्दी लेकर आना क्लास में। सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, के वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा। सीवीपी का जो पूरा चैप्टर है वो ये देखता है कि अगर आपका वॉल्यूम चेंज होता है तो कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर वेरिएबल कॉस्ट होगी तो वो चेंज होगी वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। वॉल्यूम के साथ वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट लिंक है, मतलब जिस तरह वो चलेगी तो होगा, फिक्स कॉस्ट कोई लिंक नहीं, वॉल्यूम जो भी हो फिक्स कॉस्ट इंकर होगी और होगी। और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब आपके पास सेलिंग प्राइस से कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट होगा। हाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास सेलिंग प्राइस भी तो आएगी ना, उससे वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा जनरेट होगा। तो आपका जितना वॉल्यूम बढ़ जाए एक आप निकालते हो वॉल्यूम, ब्रेक इवन इज व्हाट, अब वॉल्यूम वो कौन सा वॉल्यूम है जहां पर आपका प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाए जीरो हो जाए। एटलीस्ट उतना टारगेट होना चाहिए कंपनी के पास, क्या तुम चाहे कुछ भी करो या ना करो कम से कम इतने तो यूनिट्स बेच के आना ताकि कंपनी ना फायदे में हो ना नुकसान में हो। सही है, सही हुआ है सर। पर पैकेट आप क्या सर, मैंने कहा आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो मैं कर देता हूं कितनी, नौ लाख पचास हजार। तो सर ये 950,000, ये जो 950,000 है सर, इस 950,000 से मैंने करा डिवाइड 190 को, तो मेरा 5,000 क्या आ गए, 5,000 वो थैले आ गए, 5,000 क्या आ गए वो थैले आ गए, जो वो थैले बंदे लेके मुझसे गए हैं। सर हर एक थैले के अंदर, हर एक थैले के अंदर कितनी दूध की थैली आती,
2 लीटर दूध था, हर एक थैले के अंदर 2 लीटर दूध था। तो आप कह सकते हो कि जो मिल्क है वो कंपनी का 10 लीटर, अपना 10,000 बिका होगा, 10,000 लीटर दूध बिका होगा, और सर हर एक थैले के अंदर 1 किलो दही थी। तो सर आपके पास 1 किलो दही तो आप कह सकते हो कि सर कंपनी का जो है 5,000 किलो दही बिका होगा। तब जाके कंपनी ब्रेक इवन पे आई। हमने कहा सर उसको प्रूफ करके दिखा दे। हमने क्या कहा सर उसको प्रूफ करके दिखा दे कि वाकई अगर ये सिनेरियो आता है तो कंपनी ब्रेक इवन पर आती है या नहीं आती। आपने कहा सर आपके पास है सेल्स, क्या है सेल्स, मिल्क, योगर्ट। सर मिल्क कितना बिका है? 10,000। और कितने रुपए 1 लीटर था? 150। जी सर कितना आया? पंद्रह लाख आपके पास ये कितना आ गया? 5 × 200। वन मिलियन। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 10,000 × 90। नौ लाख। और सर 5,000 × 130, 6 लाख 50,000। सर आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 6 लाख का मिल्क से और 3,50,000 का योगर्ट से। अगर सर मैं टोटल की बेसिस पे, कंपनी की बेसिस पे देखूं कि सर गल्ले में टोटल, चाहे अब हमने गल्ले अलग अलग तो नहीं रखे हुए ना, चाहे मैं दूध बेचूं दही बेचूं, एक ही गल्ले के अंदर पैसे जा रहे होते हैं, एक ही कैश टेल होता है जिसके अंदर पैसे जा रहे होते हैं। तो सर उसके अंदर 2.5 मिलियन पैसे गए, वेरिएबल कॉस्ट वाले को 1,550,000 दे दिए गए। आपके पास ये आ गया कितना? 950,000। और उसके अंदर से आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 950,000। तो आपके पास प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया? जीरो। क्लियर है? तो सर हमारे पास रूल वन, इफ इन क्वेश्चन रेशियो इज गिवन, क्या गिवन? रेशियो इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड आउट ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ है। क्या आपको कैसे करना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ पैकेट। सवाल में रेशियो दे दिया है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है? सर व्हाट इफ मुझे डायरेक्ट ब्रेक इवन इन रुपीज निकालना होता? डायरेक्ट क्या निकालना होता? ब्रेक इवन इन रुपीज। तो सर सीएम रेशियो भी तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? पर पैकेट का निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? पर पैकेट का निकालना पड़ेगा। तुम इंडिविजुअल बेसिस पे तो अभी नहीं जा सकते। अगर सवाल के अंदर तुम्हारे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स पूछे या ब्रेक इवन इन रुपीस पूछे, अब सर अगर मेरे पास ब्रेक इवन रुपीस पूछता, सर पहले मुझे इसको यूनिट्स में निकालना पड़ता, यूनिट्स में निकाल के फिर 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता, 2 टुकड़ों में निकाल के फिर मुझे इसको क्या करना पड़ता? उनकी रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर जाके मेरे पास इतनी चार चौरंगियां घूमने के बाद क्या आता? ब्रेक इवन इन रुपीस। मैंने कहा बेटा काम करना ऐसे मत करना। आपने क्या करना है सर? अगर यही सवाल होता ब्रेक इवन इन रुपीज में, किसमें होता? ब्रेक इवन इन रुपीज में। आप कहते हैं सर मिल्क है, योगर्ट है, पहले पर यूनिट डेटा लिख लेना। क्या लिख लेना? पहले पर यूनिट डेटा लिख लेना। आपने कहा सर सेलिंग प्राइस है मेरे पास नहीं आ रही। शेरो शहबाज स्क्रीन आ रही है ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों यस आ रही है। सर आपने कहा मिल्क की सेलिंग प्राइस थी 150, इसकी थी 200। सर जो वेरिएबल कॉस्ट मिल्क की थी वो थी 90, एंड योगर्ट की कितनी थी? 130। आपने कहा 70 का सीएम और
60 का सीएम पर यूनिट है, ये क्या पर यूनिट है भाई साहब, पर यूनिट की बेसिस पे काम नहीं चलेगा। अगर आपको काम करना है तो आपको पर पैकेट चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा पर पैकेट, और सर अगर पर पैकेट का सीएम रेशियो चाहिए तो मुझे सेलिंग प्राइस भी पर पैकेट चाहिए और सीएम भी पर पैकेट चाहिए। अब सर अगर एक थैले में, अब मैं कॉम्पोजिट की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉम्पोजिट को पैकेट कहा जाता है, आपको मैंने पैकेट बता दिया, थैले की शक्ल में कॉस्टिंग की जमान में उसको क्या कहा जाता है, कॉम्पोजिट कहा जाता है। आपने कहा सर मुझे कॉम्पोजिट की अगर मैं बात करूं, कॉम्पोजिट की मैं बात करूं, तो सर आपने कहा आपके पास एक कॉम्पोजिट, एक कॉम्पोजिट जब एक पैकेट बिकेगा तो उसमें मिल्क की कितनी सेलिंग सेल्स होगी, हाँ आपको सर 150 into 2, और सर आपके पास योगर्ट की कितनी होगी 200 into 1, क्योंकि सर जो रेशियो है आपके पास वो कितना है 2:1 का है। जी सर, अब अगर सर मैं आपसे कहूं कि पूरे पैकेट की सेल्स प्राइस, पूरे पैकेट को बेच के तुम कितनी सेल्स जनरेट करते हो, तो आपने कहा सर यहां से 300 और यहां से 200, सर आपके पास कितना आ गया 500, पूरे एक पैकेट से सेलिंग प्राइस कितनी जनरेट हुई 500 की। अब सर सीएम रेशियो निकालने के लिए सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स चाहिए होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट कोई काम होता है नहीं सर, सीएम जब है मेरे पास तो डायरेक्ट मैं सीएम को उससे मल्टीप्लाई कर लूं, हाँ 16 into 2 or 17 into 1, तो सर सीएम पर पैकेट कितना आएगा 16 into 2 120, और 17 into 1 कितना आ जाएगा 70, कितना है ये 190। क्या सर सीएम रेशियो पर पैकेट निकल जाएगा, हाँ सीएम रेशियो पर पैकेट निकल जाएगा। जी सर आपने कहा सीएम रेशियो पर पैकेट निकलेगा 190 डिवाइडेड बाय 500, एग्जैक्ट 38%। यस सर, अब आपने कहा सर अगर फिक्स कॉस्ट थी 950,000 की, कितनी थी, और सीएम रेशियो है वहां पर 38% का, बोला टोटल सेल्स कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए थी 25 लाख। क्या सर इस 25 लाख से आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हो कि मैं पैकेट्स भी निकाल लूं, डायरेक्ट उस तरीके से नहीं, मेरे पास 25 लाख गिवन है, सवाल के अंदर ब्रेक इवन सेल्स दे दी गई है, सवाल के अंदर क्या दे दी गई है, डायरेक्ट ब्रेक इवन सेल्स दे दी है पूरे कॉम्पोजिट की, आपको यूनिट्स नहीं पता, आपको यूनिट्स नहीं पता, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट की पता है। आपने कहा सर क्या मैं डायरेक्ट क्या इस तरह करूं कि पहले लंबी करूं इस तरह से करके फिर इस तरह से पैकेट्स उस यूनिट्स पे आऊं, मैं कहा एक और तरीका भी है, इस 25 लाख में, इस 25 लाख में रेशियो है कौन सा 2:1 का, हाँ 2:1 का रेशियो है, मतलब बेटा इस 25 लाख के आपके पास 2/3 और 1/3 का रेशियो है, हाँ है या नहीं है, है सर। सर आपने कहा अगर यार ये सर सवाल में से 25 लाख दिए हुए, क्या दिए हुए 25 लाख दिए हुए, मेरे पास ये पता है कि हर एक पैकेट से, हर एक पैकेट से 500 रुपए का, क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल की तो नहीं है ना, 25 लाख कैसे जनरेट हुए, 25 लाख रुपए आपके कैश ट्रेल में कैसे कमाए आपने, सर आपने योगर्ट भी बेची है, आपने दही भी बेची है, मैंने कहा हाँ मैंने रेशियो में बेची है 2:1 के, मैंने कहा वो 2:1 के रेशियो से तुम्हारे हर एक जो थैला है, हर एक जो थैला है उसने कितना सेलिंग प्राइस जनरेट करके दिया, आपने कहा हर एक थैले ने सेलिंग प्राइस जनरेट करके दिया है 500 का, मैंने कहा क्या टोटल नंबर ऑफ थैले आ सकते हैं तुम्हारे पास, 5,000 टोटल नंबर ऑफ थैले आ सकते हैं, सवाल में डेटा तुम्हें सिर्फ ये वाला दिया हुआ है, सही है, तुमने कहा सर अब मेरे पास सेलिंग प्राइसेस गिवन है, मैंने कहा 5,000 थैले हैं तो वहां पर रेशियो है किसका 2:1 का, तुमने कहा सर 5,000 से 2 आ जाएंगे कौन से आपके मिल्क वाले, जो कितने बन जाएंगे 10,000, और 1 आ जाएगा योगर्ट का जो कितना बन जाएगा 5,000, तो ये तुम्हारे पास इस तरह यूनिट्स भी आ जाएंगे। तो आप पास में एक सवाल है मचियाटो वाला, वो कुछ इसी तरीके का जो अभी आज हम करेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो सर अब एक सवाल दूं करके दिखाओगे मुझे, हाँ एक सवाल दूं करके दिखाओगे, हाँ सर
कर दो ब्रेक के मैंने रुपीज।
आ जाए सर। सर आसान था, मुश्किल नहीं था। आए सर। सर आपने सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ी, ब्रेक इवन इन रुपीज मांग रहा। मैं कहा ब्रेक इवन इन रुपीज मांगता है तो मुझे काम करना पड़ता है किस पे? पहला मेरा दिमाग जाना चाहिए कि किस पे जाएगा, सेम रेशियो पे। फिर दूसरी नजर मुझे सवाल में लगानी है वो ये देखनी है कि एक यूनिट है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कि सर हमारे पास रेशियो है। जी सर रेशियो है, मतलब कंपनी ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली डील करके बेचती है, ये रेशियो के हिसाब से बिकते हैं। किस हिसाब से बिकते हैं? रेशियो के हिसाब से बिकते हैं। आपने कहा सर मतलब मुझे अब जो काम करना है वो कॉम्पोजिट की बेसिस पे करना है। आपने कहा मुझे कॉम्पोजिट का सीएम रेशियो चाहिए, ना ही कि इंडिविजुअल्स का चाहिए। अगर इंडिविजुअल का चाहिए तो सर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, हाँ 40%, 30%, 25%। आपने कहा सर कॉम्पोजिट निकालते, क्या निकालते हैं? कॉम्पोजिट का निकालते हैं। आपने कहा सर सेलिंग प्राइस ए बी सी 150, 90 and 120। सर सीएम सेलिंग प्राइस 150 का कितना परसेंट है? 40%, 60 रुपीज। हाँ 150 का कितना है? 40%। ये कितना है? 30%। और ये है आपके पास 25%। तो आपने कहा सर मेरे पास ये आ गया 27 और ये आ गया 30 रुपीज। रेशियो क्या है? 2:5:3। आपने कहा सर हर एक जो आपके पास कॉम्पोजिट बिकेगा उससे जो कॉम्पोजिट की सेलिंग प्राइस सर 150 × 2 = 300, 90 × 5 = 450, 120 × 3 = 360। सर आपने कहा सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने कहा 60 रुपए का होगा और दो होंगे आपके प्रोडक्ट एक ही से 120 का। सर 27 × 5 = 135 और सर 30 × 3 = 90। सर ओवरऑल पर पैकेट की जो सेल्स है पर पैकेट वाय सेलिंग प्राइस इनटू रेशियो। समी जब एक थैले के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट ए 2 होंगे, प्रोडक्ट बी 5 होंगे और प्रोडक्ट सी 3 होंगे, तो पूरे थैले की सेलिंग प्राइस निकालनी है ना मुझे। हाँ समी ओके। तो सर आपका कितना आया? 300 और ये हो गया 1160, 1110। हाँ और 90 और 120 ये हो गया कितना? हो गया 300, 200, 310, 345। अब सर ब्रेक इवन के सवाल में एग्जाम में याद रखना। अब सर लेट सपोज तुमने 345 / 1110 किया, आंसर क्या आया? बहुत ज्यादा आ रहा है या एग्जैक्ट आ रहा है? ज्यादा आ रहा है तो हमेशा फ्रैक्शन यूज करना कैलकुलेटर में। तुम्हारे पास कैलकुलेटर अलाउड है? फ्रैक्शन यूज करना ताकि तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए। आप लोग डेसिमल्स को, परसेंटेज को ब्रेक इवन के सवाल में परसेंटेज को राउंड ऑफ करके यूज मत करना, चाहे सिंगल प्रोडक्ट का आपके पास सीएम रेशियो निकाल रहे हो या मल्टीपल प्रोडक्ट का निकाल रहे हो। इंस्टेड यूजिंग राउंड ऑफ करके फिगर आपने क्या निकालना है? एग्जैक्ट लेना है। क्या ले लेना है? फ्रैक्शन ले लेना ना, एग्जैक्ट डिवाइड करके ले सकते हो ना कैलकुलेटर में, आसान होता है। और आपने कहा सर यही फ्रैक्शन में इस्तेमाल कर लूंगा। मैं क्या कर लूंगा? सीएम रेशियो आपके पास ये वाला आ गया। आपने कहा सर अब मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी थी? 4.2 मिलियन। इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? 345 / 1110। तो बताओ कितना आंसर आया? 1351 0 3043 1351 3043। सर आपसे सवाल में से पूछा था ब्रेक इवन रुपीज निकाल दो, यहां पर तुमने काम कर दिया, तुम्हारा काम क्या हो गया? आसान हो गया। तुम्हारा काम क्या हो गया? आसान हो गया। सर व्हाट इफ मैं अगर सवाल की एक और रिक्वायरमेंट डाल दूं, ये ए था और बी, कैलकुलेट ब्रेक इवन इन यूनिट्स, क्या निकाल सकते हो? हाँ निकाल के दे दोगे? जरा ट्राई करो निकाल के दो। अगर टोटल ब्रेक इवन आपका 1,45,000 इसका अगर मैं आपसे पूछूं सर कितने आपको ए, कितने बी और कितने सी बेचने चाहिए,
फॉर ब्रेक इवन क्या यूनिट्स निकाल सकते हो? हाँ, कैसे निकालोगे? आपने कहा सर ये जो मेरे पास 13.5 मिलियन है ये किसी एक प्रोडक्ट से नहीं आया सर, ये हमने थैले बेचे होंगे। क्या बेचे होंगे? थैले बेचे होंगे। मैंने कहा बेटा कितने थैले बेचे? आपने कहा सर थैले कैसे कितने बेचे ये मुझे पता नहीं है। मैंने कहा अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि एक थैले की सेलिंग प्राइस किसकी, एक थैले की एक पैकेट की सेलिंग प्राइस कितनी थी, तुम्हारे पास टोटल थैले आ जाएंगे। आपने कहा जी सर टोटल थैले मेरे पास आ जाएंगे अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक थैले से कितना सेलिंग प्राइस जनरेट होता है। मैंने कहा बेटा एक थैले से तुम्हारे पास जो सेलिंग प्राइस जनरेट होता है वो होता है 1110। कितना होता है? 1110। आपने कहा सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1110 से तो मेरे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 12,000 173 थ्री पॉइंट कुछ है 3.9 तो 4 करवाओ ना यार 1217 4। आपने कहा सर 12,174 12,174 आपने थैले बेचे होंगे जिससे आपको ये मिला होगा 1,35,13,043 रुपए का ब्रेक इवन सेल्स। हमने कहा अगर सर 12,174 तुमने थैले बेचे हैं, हर एक थैले में ए कितना था, बी कितना था और सी कितना है? आपने कहा सर आपके पास जो रेशियो था वो था 2:5:3, मतलब एक थैले में अगर दो ए थे तो 12,174 थैले बेचने के लिए कितने ए बिके होंगे? 24,348। सर अगर हर एक थैले में 5 बी थे और 12,174 थैले बिके हैं तो कितने बी बिके होंगे? 6,08,7,0। सर अगर हर एक थैले में 3 सी थे और 12,174 थैले बिके हैं तो टोटल ओवरऑल कंपनी को कितने सी बेचने पड़े थे ब्रेक इवन के लिए? 3,65,22। सर मैं सेलिंग प्राइस निकालू फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालू डायरेक्ट सीएम ही आएगा ना। हाँ ये मेरे पास यूनिट्स हैं, मुझे डायरेक्ट देखना है ना कि कंपनी ब्रेक इवन कर पा रही है नहीं कर पा रही, मैं डायरेक्ट इसको सीएम पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लू। हाँ सर एक यूनिट पे कितना सीएम मिलता था आपको? 60 का ना, 60 रुपए का। सर बी का हर एक यूनिट बेच के तुम कितना सीएम कमा रहे थे? 27 रुपए का। और सी का हर एक यूनिट बेचकर तुम कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहे थे? 30 रुपीज का। जरा मुझे बताओ कि कितना सीएम तुमने जनरेट कर लिया? वन मिलियन 1 मिलियन 700 14,60,700 बी का 1,64,490। सर सी का 1,095,66। सर सबको ऐड करो क्या ये सबके सब 4.2 मिलियन बन रहे हैं? क्या तुमने सर इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद आईकेप का कोई पास ओवर करवाएंगे? समी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं बेटा, क्लास चल रही है, बच्चों ने रिक्वेस्ट की सर सीवीपी आप पढ़ा दें तो मैं सीवी पढ़ा रहा हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन इनके नेक्स्ट वीक से लगेंगे, नेक्स्ट सैटरडे संडे, हफ्ते में 2 दिन जो है 5 दिन आपको दिए जाएंगे। आप लेक्चर्स देख के आ जाओगे, 2-3 टॉपिक्स कवर करके, तो शायद 4-4 5-5 घंटे की क्लास लगा के तुम लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। इसमें ये टोटल 4.2 मिलियन के आसपास बन रहा है, आसपास है ना, क्योंकि हमने एक्सेल के ऊपर नहीं किया, हमने एग्जैक्टली वहां पे वो आंसर भी नहीं लिया था जो पॉइंट आपके पास 1,217,4 लेना आपने, जबकि 1.9 आ रहा था, 1,217,3.9। अगर मैं उसके हिसाब से करता तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता। क्या ये बात समझ आ गई है? हाँ कंफर्म कंफर्म जी सर सर हाँ ना 30 रुपये बेटा मुझसे ले लियो है ना, अब इस छोड़ दे सर। मैं वही सम्मी जिसने कल आपसे कहा था क्लास लगवाएं,
अब ऐसा मी बहुत सारे लोग कहते हैं क्लास लगवाओ, तो मैं अभी पास क्या मैं करूँ, लिमिटेशन है। परसों 9 घंटे की क्लास थी, कल 8 घंटे की क्लास थी, आज भी 5 घंटे की क्लासेस हैं। परसों मैं मानता हूँ कि था, मगर मेरी ह्यूमन कैपेसिटी नहीं थी मेरी इतनी कि मैं सुबह 6 बजे सोऊं और 9 बजे उठ के आगे क्लास ले लेता। इंसान हूँ यार। तो बस एक हफ्ते में इंशाल्लाह तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, पोस्टिंग के जो सर की क्लासेस है या FR1 का कोर्स खत्म होगा, आकाश की जगह खाली होगी या सर अहमद की जगह खाली होगी, वो जगह मैं नहीं पकड़नी। तो फिर मिड ऑफ फेब या 20th फेब तक तुम्हारी डेली क्लासेस लगवा के जो प्रैक्टिस तुम्हें कॉस्टिंग की घर पे करनी होगी वो मैं 3-3 घंटे बुलवा के क्लास में खुद करवा दूंगा, ताकि तुम्हें कॉस्टिंग के लिए घर पे टेंशन ना हो कि सर घर पे कैसे करें। ठीक है समी, बस थोड़ा सा इतना जब बर्दाश्त किया, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। सर एक सवाल दे रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी सोच रहा हूँ तुम लोग खुद कर लोगे, सोच रहा हूँ तुम लोग खुद कर लोगे, देखते हैं सर। सर अगर सवाल में आपके पास प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई, क्या है प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई, सर एक्स की सेलिंग प्राइस 500, वाई की सेलिंग प्राइस 700, एक्स की वेरिएबल कॉस्ट 60% और इसकी फिक्स कॉस्ट है आपके पास, रेशियो जो है वो है 2:3 का, आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है वो है टोटल 540,000 की, टारगेट प्रॉफिट है आपके पास 320,000 का। टैक्स सवाल में नहीं है। कल वाली क्लास ली थी आपने, रिकॉर्डिंग ली थी, केसेस देख लिए थे ना, चारों केसेस एब्सोल्यूट प्रॉफिट और रिलेटिव प्रॉफिट देख लिया था ना। तो सर आपके पास ये आ गए 320,000 की, और आपसे मैं कहूं कि इसका रिक्वायर्ड ब्रेक इवन इन यूनिट्स, नहीं रिक्वायर्ड यूनिट्स टू बी सोल्ड, यूनिट्स टू बी सोल्ड एंड अमाउंट सेल्स टू बी अचीव, सेल्स टारगेट सेम कॉन्सेप्ट से जो सिंपल ब्रेक इन वाले हैं, रत्ती बराबर चेंज नहीं है, सवाय इसके कि तुम्हारे पास जो बेस होती थी डिनोमिनेटर वो क्या होगा चेंज नहीं जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। कोशिश करो सर। चैप्टर कौन सा बेटा, सीवीपी का, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी कर रहे हैं अभी हम,
हो गया आसान था सर, कोई मुश्किल था ही नहीं इसके अंदर। सर यूनिट्स टू बी सोल्ड और सेल्स टारगेट टू बी अचीव। सर यहाँ पर ब्रेक इवन की बात नहीं की आपसे, कहा कंपनी क्या करना चाह रही है, एक टारगेट प्रॉफिट को भी मीट करना चाह रही है। तो सर आपसे इसने कहा कि सेलिंग प्राइस आपकी है 500, एक्स की वाई की 700, वेरिएबल कॉस्ट। सर जब आपके पास इस तरह का सवाल हो तो आपको पता है सर आपको पैकेट की बेसिस पे जाना पड़ेगा। तो सर आपने कहा कि सर पहले मैं पैकेट के लिए डेटा बना लेता हूँ। मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितनी, 500-700। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अगर सर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 60% है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, 40%। कितना होगा, 40%। और अगर सर कंट्रीब्यूशन आपका वेरिएबल कॉस्ट वाई का 70% है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, 30%। तो आपके पास आ गया कितना, 210। ये सीएम आ गया। सर आपके पास रेशियो है कितना, 2:3 का। आपने कहा सर मेरे पास कॉम्पोजिट की सेलिंग प्राइस कितनी है सर, 500 × 2000 और सर 700 × 3 2100 और ये टोटल हो गया आपका 3100। सर सीएम कितना है सर, 200 पर यूनिट, तो ये 400 हो गया और 210 × 3 630 हो गया, ये कितना हो गया 1030। आपके पास ये कॉम्पोजिट का टोटल आ गया। और सर सवाल की रिक्वायरमेंट है यूनिट्स टू बी सोल्ड, जब यूनिट्स की बात कर रहा है तो आपको सीएम रेशियो तो जाना नहीं है। पार्ट ए के लिए आपको सीएम कॉम्पोजिट पर कॉम्पोजिट का क्या चाहिए, सीएम चाहिए। आपने कहा सर मेरे पास डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, ये जो आपके पास टारगेट प्रॉफिट आ जाता है या कुछ और आ जाता है तो फिर आपके पास वो फिक्स कॉस्ट नहीं रहती, उसको क्या नाम दे देते हैं, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। कंपनी का डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है कि फिक्स कॉस्ट भी कवर करे, क्या करे, और टारगेट प्रॉफिट भी कवर करे, डिवाइडेड बाय सीएम पर कॉम्पोजिट से। सर आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, 540। सर क्या हमारे पास सवाल में टैक्स है, अगर होता तो मैं ग्रॉसअप कर लेता, अभी नहीं है तो मेरे पास वही वाला सिनेरियो होगा जैसे मेरे पास था। तो सर मेरे पास 540,000 प्लस 320,000, 320,000 डिवाइडेड बाय 1030 रुपए, कितना आया, 835। सर ये पैकेट्स हैं, आपसे उसने यूनिट्स टू बी सोल्ड पूछे, पैकेट्स टू बी सोल्ड नहीं पूछे। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, यूनिट्स टू बी सोल्ड, नहीं के पैकेट्स टू बी सोल्ड। 835 पैकेट्स आए। सर इस 835 पैकेट्स में आपके पास 2 होंगे एक्स और 3 होंगे वाई। सर हर एक पैकेट में 2 एक्स थे, 8835 तुमने पैकेट बेचे, हर एक पैकेट में 2 एक्स थे, टोटल कितने एक्स बेचने पड़े, 1670। सर हर एक पैकेट में 3 वाई थे और तुम्हें 835 पैकेट बेचने पड़े फॉर ब्रेक इवन, तो बताओ कितना आ गया, 2505। हाँ 2505। सर क्या मैं देखूं कि मैंने जो आंसर किया है वो सही किया या नहीं किया, क्या मैं देख सकता हूँ, देख लेते हैं सर, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सर मैं बिला वजह सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट मुझे चेक करना है और पेपर में चेक करने मत बैठ जाना, ये भी खाली तुमने लॉजिकली सही किया नहीं किया, तो एक कॉन्सेप्ट को तुम्हारे दिमाग में फ्रीज करवाने के लिए चेक करवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सर सीएम पर यूनिट, एक्स के हर एक यूनिट से कितना सीएम जनरेट होता था, 400 का और 210 और 210, बताओ कितना सीएम आया, 334,000 बस, 314,000। हाँ सही है, इससे 5050। सही है, टोटल मेरे पास कितना आ गया, 8600050। सर मेरे पास ये टोटल सीएम आया, फिक्स कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, 540,000। कितना बच गया,
50 शायद कोई राउंड ऑफ तो आपने बीच में लिया होगा, उसकी वजह से आ गया। राउंड ऑफ आया था कुछ, कुछ आया था ना राउंड ऑफ, उसकी वजह से ही आ गया। ठीक है, तो सर क्या आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सवाल दूं एक, हाँ। अब अगर सर आपके पास विद टैक्स होता तो क्या करते, क्या करते, लॉसअप कर लेते प्रॉफिट को। एक रिलेटिव प्रॉफिट वाला करवा दो कंपोजिट के साथ, हाँ एक रिलेटिव प्रॉफिट वाला करोगे कंपोजिट के साथ? यस, हाँ रिलेटिव प्रॉफिट विथ कंपोजिट क्वेश्चन खुद करोगे इंशाल्लाह, मुझे पता कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो तो सर एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा या जैसे बेटा सही होता है सब अवेस एग्जाम में वर्किंग के भी मार्क्स देता है। मैथ्स आंसर निकला है तुम्हारा, वाह यार इतना मुश्किल है भी नहीं है, देखते हैं इंशाल्लाह सही होगा तुम्हारा।
जैसा कल हमने कमेंट किया था, तो कोई ऐसा टॉपिक हो ना तुम लोग चाह रहे हो कि सर आप पढ़ा दें क्लास में, तो उसको पहले से बता देना ताकि हम उसके लिए क्लासेस ट्रांसफर ऑर्गेनाइज कर लें। हो गया ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों डन। यस तुम दोनों का हो गया? नहीं आ रहा, कल की क्लास ही नहीं थी। हाँ तुमने ली थी कल की क्लास, हो गया तुमसे? अटेंशन से नहीं लीजिए। आप लोगों से हो गया? हाँ गलती लग रही है, कोई मसला नहीं, सीख ही रहे हम, सीख जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ गलती कर लो, पेपर में मत करना। सर ये आपके पास कल जो हमने केस 4 करवाया था टारगेट प्रॉफिट का, कि अगर रिलेटिव प्रॉफिट हो विथ टैक्स हो, तो आपने कहा था जो आपके पास जो रिलेटिव प्रॉफिट है इसको भी आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस अप करना पड़ेगा। सर 30% ऑफ सेल्स है, तुमने 30% नहीं कमाना, मुझे उससे ज्यादा कमाना है ताकि टैक्स वाले को भी 25% दे सकूं। हमने कहा सर सबसे पहले तो सारी बातें बाद में आएंगी, पहले तो सब कॉम्पोजिट को निकाल लो आप। आपने कहा जाए बेटा सर अगर रिलेटिव प्रॉफिट हो तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी एस रेशियो से ही निकल सकता है। सी एम रेशियो कहूं, सी एस रेशियो कहूं या पीवी रेशियो कहूं, एक सबका मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सब तीनों मतलब क्या है? एक ही है, इंटर रिलेटेड ये वर्ड्स यूज होते रहते हैं। आपने कहा सर अगर मैं कॉम्पोजिट की बात करूं, प्रोडक्ट ओ है और पी है। आपने कहा सर सेलिंग प्राइस 100 और इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर 30% है, 30 तो इसका 30 हो गया। सर ये 150 है तो उसका 50% है, 50 रुपीज नहीं है। यहाँ पे सीएम क्या था? ये रेशियो दिया हुआ था, तो 50% था, 75 हो जाएगा। रेशियो आ गया आपके पास कितना? 7:3 का। सर मैं कॉम्पोजिट का निकाल लू? आया सर कॉम्पोजिट का निकालता है। आपने कहा सर कॉम्पोजिट की टोटल सेलिंग प्राइस, अगर सर 100 की सेलिंग प्राइस रेशियो 7 है तो 700 आएगा, और सर 150 × 3 450 या क्या क्या बन जाएगा 1150। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर 30 रुपए एक यूनिट देगा, 7 यूनिट बिकेंगे 210, 75 × 3 225, ये कितना आ गया 435। सर आपके पास ये आ गया कॉम्पोजिट का टोटल, कॉम्पोजिट का टोटल। सर अगर मैं इसका सीएम रेशियो निकालूं 435 डिवाइडेड बाय 111150, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है या उसमें आ रहा है? बहुत ज्यादा वो आ रहा है पॉइंट्स में, तो सर हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शन यूज करेंगे। सर कल हमने बात की थी, कल हमने बात की थी कि सर रिलेटिव प्रॉफिट होता है तो उसका फॉर्मूला हमने डायरेक्ट ड्राइव कर लिया था, कल तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सुना था, तो वापस से बता रहा हूं उसके लिए, वापस से बता रहा हूं। सर आपके पास जब प्रॉफिट आता है तो वो ब्रेक इवन होती है, रिक्वायर्ड सेल्स होती है। रिक्वायर्ड सेल्स क्या कह सकते हो सर? रिक्वायर्ड सेल्स को अगर मैं एक्स रख दूं, क्या रख दूं? एस रखो, ए रखो, बी रखो, सी डी ई एफ जी, जो समझ आए। क्या मैं लेट रिक्वायर्ड सेल्स बी कुछ भी रख सकता हूं? एक्स रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक्स। सर क्या आपके पास उसके अंदर फिक्स कॉस्ट कवर होगी प्लस इस एक्स का एक परसेंटेज होगा 10% 20% 30%? आप कह सकते हो सर 0.3x, हाँ 0.3x डिवाइडेड बाय, याद रखना ये जो रिलेटिव प्रॉफिट होता है ये हमेशा इन अमाउंट होता है। किसमें होता है? इन यूनिट्स। कभी भी रिलेटिव प्रॉफिट आपसे नहीं पूछ सकता, हमेशा अगर रिलेटिव प्रॉफिट पूछेगा तो इन अमाउंट पूछेगा, और इन अमाउंट का मतलब होता है आपसे ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकलवा सकता है, इन यूनिट्स नहीं निकलवा सकता, क्योंकि उसने रिलेट कर दिया सवाल को किसके साथ?
प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना होता है? इन अमाउंट होता है, ना ही कि इन यूनिट्स होता है, क्योंकि बेटा कोई यूनिट्स का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, हर एक यूनिट बिकेगा क्या सारा प्रॉफिट होता है? कुछ पार्ट वेरिएबल कॉस्ट में जाता है, जो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो हमारा प्रॉफिट बन जाता है, मगर पूरा यूनिट हमारा प्रॉफिट नहीं बनता। तो इन शॉर्ट सर लॉजिक भी यही कहती है कि आपसे ब्रेक इवन इन सेल्स पूछा जाएगा, इन रुपीज पूछा जाएगा, इन यूनिट्स नहीं पूछा जाएगा। अगर सर मैं इस सवाल को रीअरेंज करूं, क्या करूं सवाल को रीअरेंज करूं, सर क्या ये x into cm हो जाएगा equals to fixed cost plus 0.3x? हाँ, क्या सर आप इसको रीअरेंज करो तो cmx, cmx is cmx सही, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 0.3x is equals to fixed cost, 0.3 ऐसे ही मैंने एक फिगर ली है। आप 0.3 को क्या कर लो, रिलेटिव प्रॉफिट, क्या कर लो रिलेटिव प्रॉफिट, रिलेटिव प्रॉफिट। सर आपके पास 0.3 की जगह रिलेटिव प्रॉफिट x, रिलेटिव प्रॉफिट x, और सर यहां पर x कॉमन ले लूंगा, x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, cm माइनस रिलेटिव प्रॉफिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। क्या अगर सर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड सेल्स है इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशियो, CM परसेंटेज माइनस रिलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। हाँ, क्या इजी है फॉर्मूला रीअरेंज करना? तुम्हें याद ये रखना है, लॉजिक सिर्फ समझाने के लिए थी, लॉजिक सिर्फ समझाने के लिए। तुम्हें याद क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला अगर रिलेटिव प्रॉफिट आता है, क्या आता है एब्सोल्यूट प्रॉफिट आता है, तो सर वो भी रुपीज में, तो फिक्स कॉस्ट के साथ वो क्या करना प्रॉफिट को एड कर देना, विद टैक्स है तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स इसमें लगता है, फिक्स कॉस्ट जब तक कवर नहीं होती क्या टैक्स लगता है? क्या टैक्स वाले आपसे टैक्स मांग सकते हैं? नहीं सर, जब तक आप इनकम नहीं कमाओगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे, तब तक टैक्स वाला आपसे टैक्स नहीं मांग सकता। तो फिक्स कॉस्ट जब तक कंपनी रिकवर कर रही होती है वो प्रॉफिट में नहीं आई होती। सर फिक्स कॉस्ट एक दफा कवर हो जाए उसके बाद क्या करती है कंपनी, प्रॉफिट में आती है। तो फिक्स कॉस्ट को कभी भी नेट ऑफ टैक्स मत करना, फिक्स कॉस्ट पे टैक्स नहीं लगता। हाँ सर, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। तो सर जिस तरह एब्सोल्यूट प्रॉफिट पे, एब्सोल्यूट मतलब अगर नंबर दिया हुआ प्रॉफिट का, क्या दिया हुआ नंबर दिया हुआ प्रॉफिट का, तो उसको आप ग्रॉस अप करते हो, इस तरह यहाँ की परसेंटेज को भी क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो सर अब मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया तुम्हें, अब हम यहाँ पर आते हैं। सर आपने कहा कि सर मेरे पास रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? सर पहले तो टारगेट प्रॉफिट निकाल लो, क्या कर लो टारगेट प्रॉफिट। सर टारगेट प्रॉफिट मेरे पास कितना है, 30% ऑफ टैक्स कितना है? क्या सर मैं ग्रॉस अप कर दूं, मैं इतना कितना प्रॉफिट कमाऊं सेल्स का कि मैं 30% घर लेके जाऊं और 25% टैक्स अथॉरिटीज को दे दूं? मैं इतना कितना प्रॉफिट कमाऊं, इतना कितना प्रॉफिट कमाऊं कि 30% घर लेके जाऊं और 25% किसको दे दूं, गवर्नमेंट को दे दूं? मैंने कहा एक एक्स अमाउंट कमाना, क्या कमाना एक एक्स अमाउंट, एक एक्स परसेंटेज कमाना, एक एक्स परसेंटेज कमाना, जिसमें से 0.25x कितना, 0.25x तुम किसको दे देना, टैक्स वालों को, और फिर घर के लेके ले चले जाना कितने, 30%। बताओ मेरे पास ये कह सकते हो सर 0.75x is equals to 30% हो गया, तो x is equals to 30% divided by 0.75 या 75%, जो तुम्हें सही लगे इसको 75% कर लो, जैसे तुम्हें समझ। 25% कहूं या 0.25 लिखूं, 75% लिखूं या 0.75 लिखूं, एक ही बात है। तो बताओ मेरे पास रिलेटिव प्रॉफिट कितना आ गया, कितना सर 40% कमाना, उसका 40% का 25% 10% बनता है, वो गवर्नमेंट को देना, बाकी 30% घर पे लेके चले जाना। सर देखते हैं कि अगर आपने ये जो सारे भाषण किए सही जाते नहीं जाते हैं, बेटा पहले निकाल लेते हैं इसको, फिर इसको प्रूफ कर लेंगे। सर आपने कहा सर अब आपने फॉर्मूला तो दिखा दिया है, सर रिक्वायर्ड सेल्स क्या चीज, रिक्वायर्ड सेल्स फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6 लाख की लिखी नहीं थी, नहीं लिखी थी ये, हाँ लिखी है यार, अच्छा सवाल ऊपर है सर, 6 लाख रिक्वायर्ड सेल्स कितनी है,
डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो में से माइनस करना है रिलेटिव प्रॉफिट की परसेंटेज। सीएम परसेंटेज आपके पास कितनी है सर? कहाँ हाँ था काम ये है ना 435 डिवाइडेड बाय 1150 माइनस 0.4 कर दो कितनी आ गई? क्या नेगेटिव में आंसर आ रहा है? किसका सीएम रेशियो टारगेट प्रॉफिट से कम है? एक काम करते हैं, किसको टारगेट प्रॉफिट को कम करते हैं, तो टारगेट प्रॉफिट को कर लेते हैं 10%। कितना कर लेते हैं या 15% कर लेते हैं? कितना करता है 15% ऑफ सेल्स करता है। यहां पर हमारे पास आ जाएगा कितना 15% ये अब तो आ जाएगा यार। वो कितना आ रहा है किसका? हाँ एग्जैक्टली इसका सीएम रेशो आ कितना रहा है वैसे? हाँ 348 अच्छा 34.8% ठीक है। और कितना आया टारगेट प्रॉफिट 20%? हाँ अब बताओ कितना आ रहा? नहीं माइनस में नहीं आना चाहिए। कितना 3365854 सर ये तो बहुत ज्यादा आंसर बता दिया इसने 2369 6969 भाई 6 लाख डिवाइडेड बाय 435 आपने एग्जैक्ट यही सब डाला है कैलकुलेटर में जी सर। मोहम्मद अवेज बिन बेटा उसको चेक कर लो सर, हम खुद भी चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। अगर सर इतनी सेल्स होती है कितनी आपके पैकेट्स बिके होंगे सर? हर एक पैकेट ने 1150 रुपए कमा के दिए। हाँ कितने पैकेट्स है? 2926.8 सर 2926.8 पैकेट्स है सर आपके पास। इसको हम करेंगे सर मेरे पास ओ बिकेंगे और पी बिकेंगे सर। ओ बिकेंगे 7 और पी बिकेंगे कितने? 3 सर। अगर हर एक थैले में 7 ओ थे सर 2760 यार सब लोग आंसर ऑनलाइन पे अलग बता रहा। यहाँ पे सबका ही सर कैलकुलेटर दिखा दे यार। छह लाख डिवाइडेड बाय डबल 3658 बेटा यही आ रहा है ऑनलाइन वाला, तुम लोग चेक कर लो बेटा। मैंने चेंज कर दिया ना डेटा, हूं मैं से अहमद, मैंने डेटा चेंज कर दिया बेटा थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है सर। आपने कहा बताओ सर कितने यूनिट्स बिके? ओके इसको इसको यूज करना 0.8 × 7 87.8 और ये वाले 8780.4 सर।
जी सर। सर सीएम पर यूनिट कितना है सर? ओ का पर यूनिट का सीएम 30 और 75 रुपीज, 30 एंड जरा बताओ कि कितना सीएम आया टोटल। सिक्स वन फोर सिक्स थ्री फोर। और इसका पी का एट डबल फाइव डबल वन टू टू पॉइंट पॉइंट फाइव को छोड़ दो, थ्री कर दूं उसको 658553। सर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमा लिया कंपनी ने, ये मैं चेक करवा रहा हूं, तुम्हारा आंसर यहां पे खत्म हो चुका है, ठीक है ना। मैं देखना चाह रहा हूं क्या प्रॉफिट वाकई ही 15% ऑफ सेल्स बनता है या नहीं बनता, कितना ये सिर्फ चेक करवा रहा हूं कि तुमने सही किया है या नहीं किया, ये करना जरूरी नहीं है, पेपर में मत चेक करने प्रूफ करने मत बैठ जाना। हाँ अगर एंड में 10-15 मिनट बच जाए पेपर, ऐसे तो नामुमकिन है, तो लोग पेपर 10-15 मिनट पहले खत्म करके बैठे हुए हो और सोच रहे हो क्या करना है, तो चेक कर लें। अगर इन केस ऐसा हो जाए कि 5 में से 3 सवाल ही आ रहे हैं बाकी 2 सर के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो 3 को पक्का करने के लिए फिर चेक कर लेना, अगर वो भी गलत ना हो जाए। 1 2 7 3 1 8 6। सर यार कोई मसला नहीं है सर, मेरे पास ये टोटल सीएम कंपनी ने कमाया, टोटल सीएम कंपनी ने ये कमाया। सर आपके पास फिक्स कॉस्ट है कितनी? 6 लाख की। कितनी है? 6 लाख की फिक्स कॉस्ट आपने निकाली, ताकि बच गया 673187। सर टैक्स वाले आ गए, बोला अच्छा बेटा प्रॉफिट कमा लिया, आओ टैक्स दे दो एट द रेट 25%। कितना आएगा? 504 873। कैसे होगा 87 97 गया यार, वाकई में परसेंटेज से निकाला मतलब। अच्छा तो कितना आ रहा है? 507 504 87। जरा देखो बेटा क्या ये 504 873 तुम्हारी इस सेल्स प्राइस का 15% बन रहा है? देखो 3365854 का 15% कितना होता है? 3365854 मल्टीप्लाई बाय 15%, माशाल्लाह 5 रुपए मुझसे ले लेना बाद में, ठीक है। आपने राउंडिंग ऑफ का मसला क्या होगा, इस वजह से ये हुआ होगा। तो सर इन शॉर्ट तुमने जो सिंपल ब्रेक इवन किया था ना, सिंपल ब्रेक इवन के सारे कॉन्सेप्ट कॉम्पोजिट पे अप्लाई हो जाते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं आती, कोई भी चेंजिंग नहीं आती। क्लियर हो गया? पक्का डर है? सही है सर। सर अब एक सवाल तुम करोगे, एक सवाल करोगे पास पेपर का, आ जाए सर 25 मिनट एक सवाल पास पेपर का कर लेना। देखो सवाल में ना खाली वो इंग्लिश में घुमाता है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे बाहर से कहीं से नहीं आता। तुम्हें अगर तुम्हें ये पता हो ना कि तुम्हें कौन सा रिलेटेड डेटा चाहिए, तुम्हें कौन सा रिलेटेड डेटा चाहिए, रेलेवेंट डेटा तुम्हें मिल गया ना, तुम सवाल सॉल्व कर लोगे। सवाल में सिर्फ कॉस्टिंग के पेपर में जो तुम्हें ढूंढना है वो क्या है, क्या तुम्हें रेलेवेंट चीजें मिल जाए बस। सही, तुम्हारा ज्यादा पुराना नहीं है, 2019 का सवाल है।
ये देखो, 5 नंबर, कितने नंबर, ज्यादा दूर नहीं पूछा हुआ, ये जो आपसे रिलेटेड प्रॉफिट पूछा हुआ है ना, ये 2019 में ही आपसे पूछा गया था, और पास्ट पेपर में 3 4 दफा पूछा गया ऐसा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रॉफिट तो उसका मोस्ट फेवरेट है, और रिलेटिव प्रॉफिट भी उसका सही है, कर लो ऐसे। सर पार्ट ए की कितनी रिक्वायरमेंट है, पार्ट ए की कितनी रिक्वायरमेंट है, दो है पार्ट ए की, एक रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले तो कह रहा है कंप्यूट द सेल्स रेवेन्यू एंड ब्रेक इवन, हो गया ये एंड के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट, बंदा वैसे ही सोच में पड़ जाए यार ब्रेक इवन पे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती नहीं है, तो ये एक रिक्वायरमेंट नहीं है। कितनी रिक्वायरमेंट्स है, दो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि तुम्हें एक तो ब्रेक इवन बताना है उसको इन रुपीज में, फिर जो ऑलरेडी जो उसने तुम्हें डेटा दे दिया है इसके अंदर बताओ कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट थी या नहीं थी। दस मिनट में तुम्हें करना है, 10 मिनट में मैं करवाऊंगा ये, उसमें मेरी दूसरी क्लास भी है। भाई कंप्यूटर समझ आ गया पक्का, तो परसों तक इंशाल्लाह ब्रेक इवन खत्म कर देंगे, ठीक है। कॉस्टिंग के लिए बस मैथ्स और इंग्लिश अच्छी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश अच्छी हो और बस कॉन्सेप्ट को याद आपके दिमाग में रहते हो, बहुत है, मोर देन इनफ है, कॉस्टिंग का पेपर पास है।
समझ आ रहा है? मुश्किल लग रहा है? आ रहा है ना समझ? शुक्र। तुम्हें यूनिट्स पूछे ना उसमें 2.71, कोई मसला क्या होगा? वो 500 मिलियन है, वो ऊपर 000 है। सारे जो पैसे हैं ये 5 लाख 3 लाख साठ हजार नहीं है। दिमाग नहीं चल रहा। ऑनलाइन वालों हाथ हार मान ली क्या? शायद सही बता रहे हो मोहम्मद अवेस, शायद सही बता रहे हो बेटा तुम। चल ऐसा मैं करवा देता हूं उसको। वेट, जब पास में थोड़ी तो कोशिश करो। इसकी जब मैं मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा ना, यू विल गेट शॉक। पूछो क्यों? ये 7 नंबर सिर्फ एक आंसर के नहीं है। तो पता है जो एग्जैक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर, उसकी कितनी वेटेज होगी इसके अंदर? 0.5 मार्क्स से ज्यादा नहीं होगी। कितना मार्क्स है? 0.5 मार्क्स से ज्यादा नहीं होगी। जो इसकी मार्किंग इसकी
दिखा देता हूँ, आई कैप के उससे दिखाऊंगा, अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा। ये कौन सा था? सितंबर 2019। वेबसाइट से निकालना ये सितंबर 2019 का पहला सवाल, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट दो बेकिंग का सवाल पूछा गया पास पेपर। इसके अंदर पता है 7 नंबर में 4 नंबर किसके हैं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। कितने? 4 नंबर किसके हैं 7 में से? कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे गए थे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और कंट्रीब्यूशन कितना है? फिक्स्ड एंड कंबाइंड कंट्रीब्यूशन 1 नंबर, ब्रेक इवन सेल्स का 1 नंबर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स का 1 नंबर। 4 नंबर तो इजीली उठ रहे थे। भाई देखो ना, मैं इसको अभी इसको ईमेल करके बता नहीं सकता, इसको देखो। कितने नंबर है? इनको भी दिखाओ मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 1 की मार्किंग स्कीम देखें आप। एग्जामिनर ने मार्किंग स्कीम बताई दी कि 4 नंबर उसने किसके दिए, खाली वर्किंग के कि आप निकाल लो। एक्चुअल आंसर के कितने नंबर है? एक एक नंबर। कितना नंबर है? ब्रेक इवन सेल्स का 1 नंबर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स का 1 नंबर। आज सर पार्ट ए करवाता हूँ, पार्ट बी पे घर से खुद कोशिश कर लेना, मैं पार्ट ए करवा देता हूँ। कह रहा है सर कंप्यूट द सेल्स रेवेन्यू एंड एट ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। आपने कहा सर मतलब अगर ये सेल्स रेवेन्यू पूछ रहा है, मेरा दिमाग जाता है सीएस रेशियो पे। किसे जाता है? सीएम रेशियो पे। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब शायद कोई सेल्स ब्रेक इवन से ऊपर हुई होगी, फिर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स चाहिए होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। आपसे कह रहा है मचियाटो प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स एंड रग्स। Extract from the projected statement of profit or loss of the new business are given below. इसने projection की है कि 500 million की sales करेगा। Cost of goods sold कितनी होगी? 360,000। सर cost of goods sold में accounting background है ना? है ना? नहीं है। पता है ना cost of goods sold में variable manufacturing cost भी होती है और fixed manufacturing cost भी होती है। Cost of goods sold में variable भी होती है और फिक्स भी होती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें कुछ फिक्स भी होते हैं, कुछ वेरिएबल भी होते हैं। सर वेरिएबल कैसे? कोई सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट हुई तो, डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन पर यूनिट हुआ तो। देखो अकाउंटिंग और कॉस्टिंग अलग दुनिया है, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग अलग दुनिया है। कॉस्टिंग के अंदर वो कहता है मुझे वेरिएबल और फिक्स पता है, मुझे बाकी चीजें नहीं पता। ये एडमिन कॉस्ट क्या होती है, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग बोलता है, मुझे सिर्फ 2 चीजें पता है, कौन सी? फिक्स क्या है और वेरिएबल क्या है। आपसे कह रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आपका आ जाएगा 50 मिलियन का, टैक्स दे दोगे 35% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा कितने का? 32.5 मिलियन का। आपसे कह रहा सेलिंग प्राइसेस ऑफ कारपेट्स एंड रग्स वुड बी 24,000 एंड 4,000 पर यूनिट विद कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ। सर आपसे कह रहा है कारपेट्स रग्स सेलिंग प्राइस कितनी है? 24,000 और 4,000। हाँ सर सीएम रेशियो कितना कह रहा है? 25% and 20%। हाँ 25% and 20%। तो मैं सर सीएम निकालूं? सर आपने अभी डायरेक्ट आप वेरिएबल कॉस्ट भी आपको निकालनी पड़ेगी। क्यों सर? वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट अलग, तो क्या क्या सवाल में फिक्स कॉस्ट गिवन ही नहीं है? फिक्स कॉस्ट गिवन है, आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी है, आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। कुछ ऑपरेटिंग में छुपी हुई होगी, कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में छुपी हुई होगी। अगर बता देगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो ऑपरेटिंग और टोटल क्या क्या ट्रीट करोगे? एज अ फिक्स कॉस्ट।
वरना अगर उसके अंदर अगर तुम्हारा वेरिएबल का कोई कंपोनेंट छुपा हुआ है तो तुम्हें बता देगा। आपसे कह रहा था सीएम रेशियो कितना है 20%, तो ये कितना होगा 80%। हाँ ये कितना होगा बताओ, कितना आता 24,000 का 80%। और अगर सर ये 4,000 है इसका सीएम रेशियो कितना था, सॉरी बता भी नहीं रहा यार, 75% है 25% है इसका, कितना है 80% है 20% है। ये कितना है 24,000 का 75%, 12,000। हाँ यही है 6,000। यहां तक आसान था। अब सर नीचे से आगे कह दिया कार्पेट्स एंड रग्स वुड बी सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4। किस रेशियो में? क्या सर आपको तो सर सबसे पहले ब्रेक इवन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए और सीएस रेशियो चाहिए। इतना डेटा आ गया कि सीएस रेशियो निकाल लो, इतना डेटा आ चुका है कि सीएम रेशियो निकाल लो, मगर सर फिक्स कॉस्ट अभी भी हमारे पास हिडन है। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉम्पोजिट की सेलिंग प्राइस कितनी है सर, 24,000 × 1 = 24,000। हाँ और सर 4,000 का 1 बिकेगा, 4,000 × 4 कितना आ जाएगा सर, टोटल जो पैकेट बिका होगा वो 40,000 पे कमा के दिए होंगे, और सीएम 6,000 और ये 800 × 4 = 3200 जाएगा कितना 9,200। सर अगर टोटल 500 मिलियन की सेल है, टोटल कितनी सेल है 500 मिलियन की सेल है, तो सर हर एक पैकेट ने आपको 40,000 रुपए कमा के दिए, तो मुझे बता दोगे कि सर कितने पैकेट्स तुमने बेचे? ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड पैकेट्स आपने सेल किए। इसमें से आपके पास कार्पेट्स कितने और रग्स कितने हैं? सर 1:4 का रेशियो है, 12,500 कार्पेट्स एंड 50,000 रग्स, हाँ यूनिट्स। सर हर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? सर कार्पेट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 18,000, और सर रग्स की एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 3,200। मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ क्या? $225 million और सर इसकी 160 million। पक्का? नहीं यार कुछ तो मसला क्या है, यही है। $12,500 million $24,000 and $16,000 वेरिएबल कॉस्ट। समी टोटल वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सीओजीएस सर बड़ा, टोटल आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है कार्पेट्स एंड रग्स की? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 385 million है। हाँ सर कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी आपने कहा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की है 360 million और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की है कितनी 90 million। हाँ 90 है ना, यस सर 90 और 360 सर ये टोटल कॉस्ट है। क्या आपके पास टोटल कॉस्ट यही है 450 million की? जी सर आपने कहा 450 million की अगर टोटल कॉस्ट है, इसमें से 385 वेरिएबल है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स
65 में। या क्या फिक्स कॉस्ट आ गई, क्या आपका काम आसान हो गया? हाँ, आपको क्या चाहिए थी? ब्रेक इवन, ब्रेक इवन सेल्स चाहिए थी, ब्रेक इवन सेल्स चाहिए थी। आपने कहा सर ब्रेक इवन सेल्स चाहिए, मैंने कहा ब्रेक इवन सेल्स चाहिए। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट है कितनी, 65 मिलियन की। और आपके पास जो सीएस रेशियो है किसका, कॉम्पोजिट का, किसका, कॉम्पोजिट का। सर कॉम्पोजिट कहां से निकाला आपने? क्या सर यही कॉम्पोजिट है? 9200 डिवाइडेड बाय 40,000। हाँ, 9200 डिवाइडेड बाय 40,000, बताओ कितना आंसर आया, कितना? 23%। तो भाई आंसर ब्रेक इवन सेल्स 282 69, एग्जैक्ट यही आ रहा है, 92 ने यही किया ना, 23% ही है, फ्रैक्शन ही यूज किया ना, 282 608 698। तुम्हारा ये एक आंसर था किस चीज का, ब्रेक इवन सेल्स का। असर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स पूछा है, क्या पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। अगर मैं, मेरे पास एग्जैक्ट यूनिट्स आए हैं क्या? मेरे पास एग्जैक्ट यूनिट्स आए हैं? हाँ सर एग्जैक्ट यूनिट्स आए हैं। कैसे आए थे सर? ये 12,550 आए थे। अगर मैं ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लूं, क्या निकाल लूं? ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लूं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स निकल जाएगा। हाँ सर बहुत आसान है। अगर सर ये ब्रेक इवन सेल्स है तो उसको डिवाइड करो 40,000 रुपए पैकेट के साथ, कितने ब्रेक इवन के पैकेट आएंगे? 7065.2। सर हमारे पास कारपेट बिकेंगे 7065 और रग्स 4 था, 1:4, 7065.2 × 4 को करो कितना आ रहा है? 282 60 61 कर लूं। हाँ सर ये आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स हैं। टोटल यूनिट्स आपके पास कितने हैं? 12,500 और 50,000। तो तुम्हारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स आ गए कितने? 730। अबे भाई राउंड ऑफ बताया था 40। ये था आपका आंसर। इस सवाल में सिर्फ एक जगह पे घुमाया हुआ था कि फिक्स कॉस्ट आपको नहीं दी हुई थी, आपको पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट दे रही थी, पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट दे रही, और आपको टोटल बता दिया कि कितने यूनिट्स बिकेंगे 500 मिलियन की सेल्स करने के लिए। तो आपको यूनिट्स निकाल के वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई है, और टोटल कॉस्ट में अगर वेरिएबल कॉस्ट इतनी तो बाकी क्या बच जाती? फिक्स कॉस्ट। तो मैं फिक्स कॉस्ट इसमें निकलवाई गई जिसके दो नंबर अलग रखे गए। क्लियर ऑनलाइन वालों? किस किस से सवाल हो गया था? तो बगैर उसके ब्रेक इवन निकला ही कैसे? कौन से, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं बगैर फिक्स कॉस्ट के ब्रेक इवन कैसे निकाले, मुझे भी सिखा, मैं बच्चों को ट्रिक सिखाऊंगा ये वाली। कंसिडर अज्यूम नहीं करना है बेटा, अजम्पशन नहीं होती। सही है, हो गया था। चले सर इंशाल्लाह कल भी आपकी क्लास रखेंगे, परसों भी रखेंगे, सीवीपी को खत्म करेंगे, फिर आपका फिर वो जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है, या आप कहोगे सर आप पढ़ा दे, तो ऑप्शन इज ऑन यू गाइस। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।